हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कपल ट्रैवल मून साई में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चलेंगे श्रीनगर के नेहरू पार्क में। डल लेक के सफर में झील के बीच आता है यह नेहरू पार्क। 1969 साल पर स्थापित नेहरू पार्क पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्मृति के तौर पर बनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत वर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के नाम पर डल झील के किनारे बनाया गया है यह नेहरू उद्यान या नेहरू पार्क या नेहरू गार्डन, कई नामों से इसका परिचय है। 80 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है यह सुंदर सा उद्यान, जो कि बहुत ही लोकप्रिय वनस्पति उद्यान है। नेहरू पार्क कोई मुगल उद्यान नहीं है। यह उद्यान बनाया गया था 20वीं शताब्दी के मध्य में। नेहरू पार्क श्रीनगर का मुख्य शहर लाल चौक से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और मुख्य बुलेवर्ड से सिर्फ 50 गज की दूरी पर स्थित है। जबरवान पर्वत श्रृंखला के ठीक नीचे की ओर स्थित है शंकराचार्य पहाड़ी और इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित है शिव मंदिर। यह मंदिर पार्क से बिल्कुल सीधे और साफ तरह दिखता है और साथ में आप देख सकते हैं हरी पर्वत या फिर परी महल, जिसका निर्माण किया है मुगल राजकुमार दारा शिखो ने। इस नेहरू पार्क का जिक्र बार बार किया गया है V.S. नायपॉल द्वारा लिखित पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस में। नेहरू पार्क बुलेवर्ड पर का सबसे व्यस्त स्थानों में से एक है। इस पार्क में जाने के लिए आपको शिकारा का सहारा लेकर के डल झील पर जाना होगा। शिकारा और झील का आनंद दुगना होता है हाउस बोट, होटल्स, टूरिस्ट, स्पीड बोट, फ्लोटिंग मार्केट, सर्फ राइडर, वाटर स्कीयर, फ्लावर लैडन बोट, गगरीबाल स्विमिंग घाट और भी बहुत कुछ मिलता है यह सफर में आपको। नेहरू उद्यान का रक्षण और परिचर्चा इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी भारतीय वन विभाग द्वारा किया जाता है। नेहरू पार्क को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्पोर्टिंग गार्डन, दूसरा रिसर्च सेक्शन गार्डन, तीसरा सेंटर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन और आखिर में बोटानिकल गार्डन। ये पूरे उद्यान में 1.5 लाख से भी अधिक पौधों का उत्पादन किया गया है। हर किस्म के पौधे आपको यहाँ देखने मिलेंगे। रंग बिरंगी गुलाब और बहुत किस्म के फूलों के सजावट आपको आश्चर्य कर देगा। उद्यान के बीच में ग्रीन हाउस का भी निर्माण किया गया है ऑर्किड फूलों के रक्षण के लिए। अगर आप तनाव मुक्त परिवेश चाहते हैं या मन की शांति चाहते हैं, खूबसूरत और खुशहाल वातावरण चाहते हैं, प्रकृति से आपको बहुत प्रेम है या फोटो खींचने का आप शौक रखते हैं, तो ये नेहरू उद्यान आपके लिए एक आदर्श जगह है। इस उद्यान का आनंद आप चाय, कॉफी, नाश्ता हर तरह की सुविधाओं के साथ ले सकते हैं। इस उद्यान के अंदर एक छोटी सी रेस्टोरेंट की भी निर्माण की गई है और फोटोग्राफर विद कश्मीरी ड्रेसेस यहाँ अवेलेबल है और वॉशरूम भी है। यहाँ हर तरह की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। नेहरू पार्क सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक। इस पार्क का प्रवेश मूल्य है जनप्रति 12 रुपए। साल के किसी भी वक्त जब भी आप चाहें यहाँ आ सकते हैं, लेकिन खास करके अक्टूबर महीने से जून महीने का मौसम कुछ ज्यादा ही सुहाना रहता है। वीडियो का कॉन्टेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूले, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।